वीडियो बना लाइव बनाया हम तुम्हारे साथ हैं। जीना बदर की कार्रवाई निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। आदिवासी एक समान, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीना बदर की कार्रवाई निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो, जीना बदर की कार्रवाई निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। आदिवासी एक समान, आदिवासियों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। हमें फर्जी जिला निरस्त करो, निरस्त करो, छगन
प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नेता मेहता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नेता फेहता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फर्जी मुर्दा, फर्जी नेता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सारे साथ थे हम तुम्हारे साथ हैं, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। होश में आओ, होश में आओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम एक हैं, जीतेंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय जोहर कनारा, भारत देश हमारा है। जय जोहर कनारा है, भारत देश हमारा है। निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। अभी करो, अभी करो, अभी करो भाई, अभी करो। निरस्त करो, निरस्त करो, आवाज़ दो। हम एक हैं, हम एक हैं। प्रशासन चलेगी नहीं, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शांति पूर्वक बैठ जाए, कोई भी नारेबाजी अभी नहीं करे, ज्ञापन वाचन हो रहा है। साथियों, ये जो नोटिस कमलेश जी के पास में आया था अभी, मतलब 10-15 दिन पहले इनके पास ये नोटिस आया कि 26 तारीख को आपकी सुनवाई है, आपको कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होना है। तो साथियों, इसमें नोटिस में दिया है कमलेश उर्फ कमलेश्वर पिता उकर, जाति डोडियार, उम्र 30 वर्ष, निवास राधा कुआ। उत्तर द्वारा आपके उल्लेखित किया जाता है कि पुलिस अधीक्षक अध्यक्ष जिला रतलाम के प्रतिवेदन अनुसार आप वर्ष 2018 से आपराधिक गतिविधियों से सम्मिलित होकर जीवन यापन की कई वैध अवैध निश्चित साधन होकर आवारा किस्म के व्यक्ति हो, तथा अपने गुंडे साथियों के साथ मारपीट, गुंडागर्दी, महिलाओं के साथ में छेड़खानी। क्या कमलेश जी ने किसी महिला के साथ में छेड़खानी करी? नहीं। कमलेश जी ने किसी के साथ में गुंडागर्दी करी? नहीं। छेड़खानी, शासकीय कार्य में बाधा, हत्या का प्रयास, किसी ने कमलेश डोडिया जी ने किसी की हत्या का हत्या करने का प्रयास किया क्या? नहीं। डकैती, जातिवाद को लेकर धरना प्रदर्शन, अनावश्यक ज्ञापन, चक्का जाम जैसे आपराधिक कृत्य में सम्मिलित, और आपके द्वारा आपराधिक कृत्यों को आम जनता और उनके परिवार उनके विरुद्ध काफी आदेश है। क्या अपने आदिवासी परिवार कमलेश डोडियार जी के खिलाफ है? क्या कमलेश्वर डोडियार जी के साथ में पूरा रतलाम जिले का आदिवासी परिवार नहीं है क्या? उनके आपराधिक कृत्यों को आम जनता और उनके परिवार के विरुद्ध काफी आक्रोश, जिससे राधा कुआ सरवन एव आसपास के ग्रामों और रतलाम जिले में शांति की व्यवस्था कभी भंग हो सकती है। अनिवार्य अपने जीवन यापन को साधन आपराधिक कृत्य करना बना रहे पुलिस ने भिन्न भिन्न धाराओं के अंतर्गत आवेदन अवरुद्ध, न्यायिक प्रतिबाधक कार्रवाई भी की गई है, किंतु इसका इस पर कोई असर नहीं हुआ। आवेदन के आतंक से सम्रांत परिवार व्यक्ति विरुद्ध थाने पर रिपोर्ट एवं न्यायालय में उसके विरुद्ध गवाही देने से भी डराते हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आपके विरुद्ध निम्न धाराएं पंजीबद्ध हुए, इसमें करीब मतलब 13 से भी ज्यादा बहुत सारी धाराएं कमलेश जी के ऊपर है। अपन मानते हैं पहले मतलब आंदोलन किए उसमें धाराएं लगी उनके ऊपर, पर अभी जब से उनका LLB कंप्लीट हुआ है उसके बाद में संवैधानिक दायरे में रह के
कानून को साथ में लेकर कमलेश जी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? गांधीवादी तरीके से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी गांधीवादी तरीके से मतलब भूख हड़ताल करके लोगों की गांधी जी के रास्ते में कमलेश जी चल रहे हैं। और अभी अचानक से किधर से भी दबाव मिला हो पर अभी कमलेश जी को जिला बदर का नोटिस दिया गया, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और महोदय से अनुरोध करते हैं कि जिला बदर की कार्रवाई निरस्त हो। अभी ज्ञापन वाचन करूंगा साहब मैं। प्रति श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जिला रतलाम मध्य प्रदेश, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला रतलाम, विषय कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई निरस्त करने बाबत पुलिस सुरक्षा प्रदान करने बाबत। महोदय उपरोक्त विषय अंतर यह है कि रतलाम जिले के अनुसूचित चेलाना के राधाकुआ गांव में मूल निवासी कमलेश्वर डोडियार जो स्वयं आदिवासी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 5 जनवरी 2011 के हिसाब से देश के मालिक वर्ग से आते हैं, महोदय अवगत हो कि कमलेश डोडियार माता पिता खेतीहर मजदूर हैं, प्राय दिहाड़ी मजदूरी करते हैं